my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to tell you which shade of foundation is perfect for your skin. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस शेड का फाउंडेशन आपके फेस के लिए परफेक्ट होगा. So guys, आपने देखा होगा आप जब भी अपना फाउंडेशन परचेज करते हो तो या तो वो आपकी स्किन से डार्कर होता है या फिर लाइटर होता है. बहुत कम ही लोग अपने स्किन के लिए परफेक्ट फाउंडेशन परचेज कर पाते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ कि आप अपनी स्किन के लिए परफेक्ट फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करें. सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास जो भी फाउंडेशन है या फिर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास फाउंडेशन है तो आप उसको क्या करो, मार्केट जाने से पहले या फिर कहीं भी बाहर जाने से पहले आप उसको अपनी स्किन के किसी भी एरिया में अप्लाई करो या फिर या तो नेक पे अप्लाई करो. मैं अभी आपको दिखाती हूँ. आपको इस तरह से अपनी स्किन के किसी भी एरिया में थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है, जो भी आपके पास शेड है. और आप इसको ऐसे ही अप्लाई किए हुए मार्केट जाओ. आप मार्केट जाके अपनी सारी मार्केटिंग करो, सब कुछ करके जब वापस घर आओ तो आपको एक फ्रेश फाउंडेशन का स्टिक यहाँ लगाना है. आप यहाँ पे एक फ्रेश फाउंडेशन उसके साइड में लगाओ और देखो, अगर आपका जो फ्रेश फाउंडेशन है वो पहले के फाउंडेशन से लाइटर है तो इसका मतलब है कि आपने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है उससे आपको एक शेड लाइटर आपके फेस के लिए फाउंडेशन लेना होगा. या फिर आप तो अगर ये बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाता है, फ्रेश फाउंडेशन से ये बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक शेड डार्कर फाउंडेशन अपने लिए परचेज करना होगा. सो गाइज, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए परफेक्ट फाउंडेशन कौन होगा, आपकी स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन परफेक्ट होगा. अगर फ्रेश फाउंडेशन से वो लाइटर है तो आपको एक शेड डार्क लेना होगा, अगर वो डार्कर है तो एक शेड लाइटर लेना होगा. इस तरीके से आप अपने लिए परफेक्ट फाउंडेशन परचेज कर सकते हो आपकी स्किन के लिए, जो बिल्कुल परफेक्ट होगा, जिससे आप मेकअप करने के बाद ना ही आपका स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर लगेगा ना ही बहुत ज़्यादा लाइटर वाइटन होगा. So guys, I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. So if you like this video, then give us a thumbs up and also subscribe to my channel for more such beauty videos from me. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.